नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवय बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं ये वीडियो 6/6/2023 को डिपार्टमेंट एवं यूनियन पेंटिंग रखा था। इसमें हमारा यूनियन की तरफ से हम लोगों अटेंड किया था, विथ सजेशन के साथ गए था, और कुछ दूसरी यूनियन और फेडरेशन भी भाग लिया था। इसलिए ये रिक्रूटमेंट रूल्स का रिव्यू करने के लिए सजेशन मांगा गया। ये पिछली में वीडियो में बोला था, ये डिपार्टमेंट पिछले दिसंबर जनवरी के बाद कुछ समय के बाद ये आरआर रूल्स के संबंध में कुछ लोकल लैंग्वेज इत्यादि के लिए मॉडिफिकेशन इत्यादि लॉ मिनिस्टर के लिए गए था। लॉ मिनिस्टर अप्रूवल होने के बाद DOPT लॉ मिनिस्टर अप्रूवल होने के बाद गेजेट नोटिफिकेशन होता है। आपको मालूम होगा 2022 में कुछ नोटिफिकेशन का इसे सभी के पास दिया था, हम लोग ऑलरेडी हमारा ओपिनियन भी सजेशन भी दिया था। साथियों, इस मीटिंग में डिपार्टमेंट का बोलना था, ये जीडीएस का संबंध में लॉ मिनिस्ट्री कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। इसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज जो जीडीएस का देने का क्या जरूरत है करके उनको जीडीएस के संबंध में लॉ मिनिस्ट्री का न्यूडल मिनिस्ट्री का जानकारी नहीं, इसका समझाने का कानून डिपार्टमेंट करेगा, करते आ रहा, आगे भी करेगा। ये दूसरी बात है, कुछ और डिपार्टमेंट सजेशन मांगा था। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एग्जाम्पल MTS से पोस्टमैन जाने के लिए सीनियरिटी का कम फिटनेस का संबंध में रखा गया 25% का रिजर्वेशन का खत्म करने के लिए ये को उनको सजेशन था। और कुछ इसी तरह कुछ रिक्रूटमेंट का संबंध में ये रीजनल भाषा का कारण बहुत जगह में कोर्ट केसेस से GDS से परीक्षा लिखा है, कुछ लोग कोर्ट में चल के आके परीक्षा लिखा है, उनको सारे केसेसों का सील्ड कवर में बंद रखा है। इस पर भी कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया, इस तरह चर्चा हुआ। मैं एक एक करके बोल के जा रहा हूँ। अभी हमारा सुझाव है, हम लोग का GDS एम्प्लॉयज का लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। यदि MTS हो, पोस्टमैन हो, MTS के लिए कोई नहीं, PA इत्यादि में 10वीं में पहले आप लोग का मालूम होगा GDS 2019 का पहले ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता था, कोई जगह इसका कोई रीजनल भाषा का कंडीशन भी नहीं था। 2019 के बाद 20 में इत्यादि में रीजनल भाषा करके GDS एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट शुरू किया, परंतु पहले GDS अपॉइंटमेंट हो चुका कुछ लोग आंध्र से, कर्नाटका, तमिलनाडु से कर्नाटका और कर्नाटक से दूसरी स्टेट, और साउथ से नॉर्थ इंडिया में भी बहुत लोग चल के काम कर रहा है उनको, और नॉर्थ इंडिया में बिहार इत्यादि संस्कृत का एक भाषा, इसमें भी झारखंड इत्यादि में कुछ समस्या है। इसके लिए हम लोग कुछ प्रोविजन बनाने के लिए मांगा है, लेटर लिख के ये सजेशन भी दिया है डिपार्टमेंट। आखिरकार उनको ओपिनियन आर्डर रूप में आना बाकी है, सिंपल एक एग्जाम रख के इसका हम लोग सोचेगा, सुझाव करेगा करके बोल रहा है। और कुछ फेडरेशनों ने सीनियरिटी MTS से पोस्टमैन के लिए इसका बंद करो करके बोला है। और कुछ फेडरेशन ने MTS पोस्ट का SSC से करो करके बोला है। ये मैं इमीडिएट हम लोग रिएक्ट भी किया, मैं प्रतिरोध भी किया है। क्या है ये GDS पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग 89% नेटवर्क का GDS कर रहा है, लगभग 4.5 लाख कर्मचारी हो तो हमारा लगभग 2,70,000-80,000 GDS है, और डिपार्टमेंट का 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगा। परंतु हम लोग का अकोमोडेट कैसे करेगा प्रमोशन, ये भी समस्या है। इसलिए हम लोग प्रतिरोध किया है, हमारा तरफ से प्रतिरोध रहेगा। अरे MTS पोस्ट 75% आज का नियम के मुताबिक 75% GDS का मिलता है, 25% कैजुअल वर्कर पार्ट टाइम वर्कर का नाम से बोलता है। या आपका मालूम है 1993 का पहले कौने उनको मर्जर करके एक टेम्पररी ग्रुप डी स्टेटस ग्रुप डी का पोस्ट दिया जा रहा था, 93 का पहले अपॉइंटमेंट हुआ। इसके बाद आजकल में उमा देवी का 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कर्नाटक इत्यादि का, इसमें बैकडोर एंट्री होना नहीं चाहिए करके। इस संबंध में 2010 में DOPT इसका
सर्कुलेट किया, मतलब 2010 के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट में आरएमएस में कंटेंजेंसी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होने चाहिए। हमारा भाई आज भी हमारा यूनियन का मानना है, मैं बोला हूँ 1990 से पिप पे कमीशन आने के बाद ये टाइम में पॉलिटिकल डिसीजन लेके गवर्नमेंट ने एक 1993 का पहले कट ऑफ डाल के इसका पहले वाला का मर्ज करके ग्रुप डी टेम्पररी ग्रुप डी ग्रुप डी दो तीन पोस्ट मिला के ग्रुप डी बनाने के लिए कैजुअल और पार्ट टाइम वर्कर का दिया गया। कुछ जगह में सक्सेसफुल हुआ था, कुछ जगह में हुआ नहीं। इसके बाद भी लगातार चला, आपका मालूम है कंटेंजेंसी एम्प्लॉयज बिना हो तो पोस्ट ऑफिस नहीं चल सकता, मतलब वो आपका साफ करना हो क्लीन करना हो दूसरी केयर टेकर हो और आई क्यूस वगैरह होता है बड़ा बड़ा हमारे में डिपार्टमेंट का और बड़ा ऑफिसर्स का चल के रुकने वाला जगह में यही पार्ट टाइम कंटेंजेंसी एम्प्लॉयज 12 घंटा 24 घंटा भी रहता है काम करता है, उनको तो मिलना चाहिए। हम लोग बोला है 2010-15 का उनको कट ऑफ दे दा, इसमें हम लोग का 75% GDS है। यदि उनको कुछ लोग अभी बचाए हो तो उनको 25% के अंदर देना, यदि नहीं दिए हो तो हम लोग का GDS से भरने के लिए ये होता है। अभी GDS का हम लोग बड़ा समस्या क्या है, अभी एक पिक्चर हम लोग का यही मीटिंग में बताया गया 81 MTS पोस्ट कैजुअल कंटेंजेंसी एम्प्लॉय से भरा गया इस बार पिछले अभी प्रेजेंट रिक्रूटमेंट रूप में। हमारा GDS से 5000 के ऊपर MTS का गया है, इसमें सीनियरिटी कम फिटनेस तक का भी इस वर्ष का अभी तक को अभी प्रोसेस सिवे भी चल रहा है। ये 1100 का हुआ है, 1100 का हमारा सीनियरिटी कम फिटनेस का बोल रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या, हम लोग क्या सुझाव दे रहा है, अभी 50-55 तक टीके रिक्रूटमेंट रूल्स का ये हुआ हो तो यदि विल्लिंग लेके करो और विल्लिंग नहीं हुआ हो तो इसका किसी का DPC में कंसिडर करने का जरूरत नहीं। DPC कंसिडर मतलब मैं विलिंग नहीं, बार बार हम लोग का क्यों ये MTS में भेजने का ऑर्डर करना, इसके बदली कौन इच्छा है उनको देना, किसका इच्छा नहीं उनको छोड़ देने के लिए बोला, उनको नीचे वालों का देने के लिए हम लोग बोल रहा है। क्योंकि टेक्निकली बाहर का कुछ और जूस में और बाहर से जाने का भी कोशिश चल रहा है, कुछ सोर्सेस ने कुछ तथ्यों ने इसका कर रहा है, कुछ MTS का बाहर से करना चाहिए करके, इसका हम लोग प्रतिरोध रहेगा, यही हम लोग सुझाव देवे। एक रीजनल लैंग्वेज का संबंध में कुछ सुधार होना चाहिए और GDS टू MTS टू प्रमोशन में सीनियरिटी कम फिटनेस में हम लोग का किसका इच्छा है उन्हीं के भेजना है। यदि नहीं हो तो 50 साल तक जनरल और ये EC के अनुक्रम में रोस्टर सिस्टम का मुताबिक के करने के लिए बोला है। आपका इसमें क्यों हम लोग इसका विरोध कर रहा है, अभी हमारे में बहुत लोगों जाने अनजाने में पिछली 2-3 साल में 15 महीने के लिए 18 महीने के लिए 1 साल के लिए चल के हम लोग का सारा बेनिफिट MTS में मिल जाएगा करके चल के देखा, हम भी स्टडी किया। इधर में ये को खतरा है, लेटर भी लिखा डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो तो आपका सीवरेंस अमाउंट 1500 हिसाब से मिलेगा परंतु ग्रेचुटी नहीं मिलेगा बोल रहा है। हमारा प्रश्न है यदि हम लोग का ग्रेचुटी का नियम क्या है, आप लगातार 10 वर्ष सर्विस किए हो तो आपका ग्रेचुटी का एलिजिबल होता है। हमारा GDS में 30-35 वर्ष सेवा करने के बाद ऑटोमेटिक DPC में प्रमोशन हुआ हो तो मुझे यदि 1-1.5-6 महीने का MTS बन के जाने से अदर भी 3 साल का सर्विस नहीं हो तो उनको भी अदर भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। हमारा GDS में 30-40-35 वर्ष किया गया ग्रेचुटी भी नहीं दे रहा, मतलब वो आर्थिक टोटल नुकसान है। यदि उन्होंने GDS में बच गए हो तो उन्होंने कैसे मेंटेन करो तो 65 वर्ष तक काम भी कर सकता हमारा मानना है। नहीं वो DPC करो, DPC में हमारा पुराना सर्विसेज को भी आप लेने के लिए कोशिश करो, इसका कोई प्राविधान नहीं अभी तक को GDS का सर्विस का काउंट करने के लिए कोई नहीं। हम लोग तमिलनाडु का सेलुराज इत्यादि केस में शार्टेज हो तो लेके देने के कुछ लोग का कौन कोर्ट में गया उनको पुराना पेंशन मिल गया, परंतु सरकार एक जेंटलमैन एक स्पीकिंग ऑर्डर अरे कोई किसी तरह ऑर्डर नहीं किया, DOPT के ऊपर डाला, DOPT नियम के मुताबिक नहीं होगा करके बोल दिया।
हम लोग का एक तरफ से यदि प्रमोशन हुआ तो जीडीएस का सर्विस भी काउंट होना चाहिए, नहीं हो तो हम लोग का ये बेनिफिट भी मिलना चाहिए सारे ग्रेच्युटी वगैरह। ग्रेच्युटी में भी हम लोग का ग्रेच्युटी नियम के मुताबिक हम लोग का ग्रेच्युटी होना चाहिए। कौन इच्छा है ये मेरी प्रमोशन डिपार्टमेंट के चल के हो तो उनको जीडीएस का ग्रेच्युटी सिवरन साउंड और एसडीबीएस का पैसा भी उनको मिलना चाहिए, हमारा मानना है। साथियों इस तरह चल रहा है ये, इस संबंध में नोट वगैरह करके आगे जाएगा, ये सर्विस का काउंट होना चाहिए। और इस तरह हम लोग ये आर्ग्यू करके हमारा सुझाव दिया है, कुछ फेडरेशन का लोगों का इसका हमारा जीडीएस का चिंता उनको नहीं है, उनको बाहर से आना चाहिए डीपीसी, इस तरह कुछ चला है। परंतु उनको ओपिनियन है, हमारा एक हमारा ए जीडीएस एक रिकग्निशन यूनियन है, रिकग्निशन प्राप्त संगठन है, जीडीएस में हमारा बात तो ये माना चाहिए, नहीं हो तो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स लोग भी ये ऑब्जेक्शन आएगा इस पर बोल सकता, परंतु गवर्नमेंट इस पर कंसिडर नहीं करेगा। जीडीएस टू एमटीएस पोस्ट टू जीडीएस का मिलना चाहिए, और साथ साथ कुछ पोस्ट टू कैजुअल लेबर कंटेंजेंसी एम्प्लॉयज के साथ भी अन्याय है, उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन है, यदि उनको भी कुछ पोस्ट मिलना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। इसका अलावा जल्दी देख के इसका बाहर से रिक्रूटमेंट किया हो तो हम लोग किधर जाएगा, यही एक बात है हमारा में। आज हजारों लोगों सपना रख के आज 100 में 100% लेके आके जीडीएस में आ रहा है, इसलिए उनको भी 8 घंटा हम लोगों यही मीटिंग में भी बोला गया, आप क्यों 4 घंटा का अपॉइंटमेंट कर रहा है, जीडीएस का 8 घंटा कर दो, हम लोग के ग्रुप डी स्टेटस दे दो, नहीं तो ग्रुप ई का स्टेटस दे दो करके भी हम लोग बोला है। परंतु तो आयर का लेवल का बात है, ये नीचे पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स लोग इसमें रिक्रूटमेंट रूल के द्वारा परमानेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों आगे लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों एक भूमिका करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये आने वाला समय में जरूर हमारा 8 घंटा और ओल्ड ड्राफ सिविल पोस्ट है ऑलरेडी हम लोग के साथ परमानेंट सिविल सर्वेंट का दर्जा के लिए 8 घंटा काम के साथ देने के लिए हम लोग आगे बढ़ेगा। साथ ही यही रिक्रूटमेंट रूल के संबंध में चाहिए, और ये भी चर्चा चल रहा है 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, इससे हमारा कोई नहीं, परंतु 3 साल से बढ़ना नहीं चाहिए एमटीएस में, 5 साल से ज़्यादा पोस्टमैन में भी बढ़ना नहीं चाहिए, और एमडीएस टू पीए में भी बढ़ना नहीं चाहिए। इवन जीडीएस टू पीए के संबंध में भी कुछ परसेंटेज का किया गया, एक ऑफिसर ने पूछा क्यों इधर में 20% पीए में मांगो तो सेक्रेटरी हायर लेवल में भी मांग लो करके, परंतु ये बात नहीं है, हमारा भी अधिकार है ना, कम से कम डिपार्टमेंट से एमटीएस पोस्टमैन से पीए नहीं हो तो अनफिल्ड वैकेंसी हम लोग का दे रहा है, यदि इसका कुछ परसेंटेज सारे इसमें बाकी फेडरेशन और रेगुलर यूनियन भी इसका समर्थन किया हो तो हम लोग का कुछ परसेंटेज जीडीएस टू पीए में रख सकता डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट को डीओपीटी लॉ मिनिस्ट्री में समझाना पड़ेगा। साथियों यही हुआ है, हम लोग लिखित में भी दिए हैं, हम लोग सोशल मीडिया में वगैरह में डाला है, हम लोग का रीजनल लैंग्वेज से कुछ लोग का तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ दूर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक एमटीएस हो के पोस्टमैन हो के मिनिमम एक 10 साल सर्विस किया हो तो उनको भी एक प्रमोशन हो, एक रिटायरमेंट का समय में उनको भी ये होता है। 1 साल 6 महीने में प्रमोशन लेके कोई पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें कुछ बदलाव करने के लिए आग्रह किए। यही देखो अभी हमारा सुझाव है, अभी फाइनली डिपार्टमेंट टू पोस्टल बोर्ड में क्या रखेगा, सेक्रेटरी और डीजी इसमें क्या निर्णय लेगा, इसके बाद की बात, और कुछ प्रपोजल भी हम लोगों आने वाला समय में देगा। यही बोलते इस वीडियो का शेयर करिए, लाइक करिए, करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।